Hi friends, welcome to our YouTube channel Target for IQ. So this video is about section number 6 of the Indian Evidence Act, that is res judicata. So section ko padhne se pehle we'll read the Bare Act language. So see, Bare Act se yaad aaya ki what is the importance of Bare Act. See, especially for prelim examination, although it is very important for main examination, but I'm telling you, for prelims examination mostly jo questions hote hain, not all but मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वो बेयर एक्ट से ही फ्रेम होते हैं, बट उनका बस तरीका अलग हो जाता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेयर एक्ट को बहुत कायदे से और बहुत थॉरली और कई बार पढ़ें. इट्स नॉट लाइक कि एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, नो. एज नंबर ऑफ टाइम यू कैन रीड इट, प्लीज़ रीड इट, बिकॉज बेयर एक्ट को समझना थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, बट एक बार अगर आपने उसका टेक्निक समझ लिया तो आप बहुत ईजिली बेयर एक्ट को पढ़ सकते हो. और जितनी बार कोशिश करें उसको रीड करें, जितनी बार आपसे पॉसिबल हो आप उसे रीड करें, तो आप देखोगे कि आपका एक बहुत अच्छा कमांड हो गया है. उसके बाद आपको मेंस में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि होता क्या है कि हमें मेंस में जनरली अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम पूरी कहानी लिख पाए. नहीं, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे अगर आप उसके असेंशियल्स भी लिख दो, ठीक है, प्रॉपर, अगर लाइक एनीथिंग, अगर सेक्शन 6 पूछ रहा है तो पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अच्छे से तोड़ के, यानी कि एक एक पार्ट के एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से अगर आप लिख लो, उसके बाद अगर आप बुक से अगर रेफरेंस लेना चाहो फॉर एनी केस या थोड़े बहुत इंटरप्रिटेशन के लिए तो आप ले सकते हो. बट अगर आपका बेयर एक्ट पे कमांड है तो आप देखोगे कि बुक की उतनी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ एक रेफरेंस ले लोगे और आप अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे. ओके, सो लेट्स रीड सेक्शन नंबर 6. फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस. ओके, तो इसको समझने से पहले आई टेल यू, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. सी सेक्शन चैप्टर नंबर 2, that is the relevancy of the facts. What does the term relevancy exactly means? अगर हम एक language means like general language में समझने की कोशिश करें तो relevancy का मतलब होता है कि something which is qualified, okay, something which is eligible. और अगर हम उसको Indian Evidence Act में लेते आए तो इसका मतलब होता है कि rule of relevancy क्या कर रही है कि that declares certain fact to be relevant fact. वो कुछ certain facts को relevant fact बना देती है. बट कब बनाती है? जब वो जो फैक्ट्स हैं वो कुछ सर्कमस्टांसेस को क्वालिफाइड कर जाए. ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, अगर वो फैक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड हैं या उसको फुलफिल कर रहे हैं तो तब वो जो है फैक्ट्स जो हैं रेलेवेंट फैक्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी कि दे आर क्वालिफाइड टू बिकम अ रेलेवेंट फैक्ट. और ये जो कंडीशंस बताई गई हैं दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन नंबर 6 टू सेक्शन नंबर 55. ओके, सी, ओके, नाउ उसी का अगर हम समझें तो उसको सेक्शन 6 को अगर हम समझते हैं कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, यानी कि फैक्ट्स, ये पहले ही बता दे रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि नॉट इन इशू. यानी कि फैक्ट्स इन इशू का मतलब क्या होता है? एक इन लेमैन लैंग्वेज फैक्ट इन इशू का मतलब होता है फैक्ट अलीज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी. एक पार्टी बोलती है ऐसा है और एक पार्टी बोलती है नहीं ऐसा है, तो दैट इज़ ओनली अ बोन ऑफ कंटेंशन हियर. ओके, तो वही फैक्ट इन इशू होता है. ये एक लेमैन लैंग्वेज है. अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना है तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में बता रखा है कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू. ओके, सो फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इशू में तो नहीं है बट दे आर सो कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इशू में नहीं है, दे आर नॉट द फैक्ट एंड इशू, बट वो फैक्ट एंड इशू से एक सेम ट्रांजैक्शन में जुड़े हुए हैं. ओके, एक सेम मतलब कि जिस ट्रांजैक्शन में फैक्ट एंड इशू हुआ उसी के आसपास वो फैक्ट्स भी कहीं ना कहीं हुए हैं. ठीक है, भले वो डिफरेंट टाइम या सेम टाइम डिफरेंट प्लेस पे हुआ, दैट नॉट मैटर्स, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि फैक्ट एंड इशू के साथ वो एक ही सेम ट्रांजैक्शन का चेन बना रहे हैं. ओके, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर फैक्ट्स भी जो है रेलेवेंट हो जाएंगे. अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय स्टैंडर्स एट द बीटिंग
or so shortly before or after it so as to form the part of the same transaction is a relevant fact. Okay, तो ये बोल रहा है कि A जो है is accused of murdering B by beating him. ये एक fact and issue है. तो आसपास के लोगों ने जब वो उसको मार रहा था, आसपास के लोगों ने या A या B ने जो भी आपस में कहा, although वो relevant fact नहीं है, but जब fact and issue, यानी कि जब A B को मार रहा था, ये उसी के साथ उसी transaction में लोग बोल रहे थे, तो वो एक चेन बना रहा है, वो एक ही फॉर्म एक ही ट्रांजैक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो है यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा. और इसी रीज़न की वजह से हम इस सेक्शन को कहते हैं कि दिस सेक्शन इज़ द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेसिटे. बेसिकली रेस जेसिटे का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन ओरिजिन है जिसका मतलब होता है थिंग सेड एंड डन इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, एक ट्रांजैक्शन में ही जो चीज़ें कही गई हों उसे ही ये डॉक्ट्रिन बताती है. ओके, दैट इज़ द रीज़न हम इसको कहते हैं, मतलब ये जो बात है कि रेस जेसिटे कौन से सेक्शन में है इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो है सेक्शन नंबर 6. ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने लायक हैं, वो ये हैं कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स. तो कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं ओके वो एक कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स होने चाहिए. ओके, वो एक मतलब दैट आई टोल्ड यू कि सेम ट्रांजेक्शन, इसका मतलब वो एक कंटिन्यूटी में होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि अलग अलग हों, नो, एक कंटिन्यूटी में, एक फ्लो में होने चाहिए वो. देर शुड बी कंटिन्यूटी. ओके, और कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उन सीक्वेंस के बीच में, कोई भी तरह का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़ है स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, उन सारे ट्रांजैक्शन के बीच में, उन सारे इवेंट्स के बीच में एक स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि बहुत गैप ना हो, कि लाइक कि ऐसा लगे कि उसके एक फैब्रिकेशन का स्कोप आ जाए वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके बीच में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए सो एज टू सजेस्ट दैट देयर वाज नो काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल. ओके, तो इसमें एक केस है रतन वर्सेस क्वीन. इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड वाज चार्ज फॉर किलिंग हिज रतन वर्सेस क्वीन 1971. इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ हिज वाइफ, तो उसने क्लेम किया कि गलती से, मतलब बाय एक्सीडेंटल गोली चल गई थी और उसकी वाइफ की डेथ हो गई. तो बाद में कुछ एविडेंस देते हैं, उससे पता चलता है कि जो डिसीज रहते हैं यानी जो उसकी वाइफ रहती है, वो एक फ़ोन ऑपरेटर को टेलीफोन करती है और बोलती है कि गेट मी द पुलिस हेल्प. और जैसे टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो कॉल करता, मतलब कॉल उनकी कनेक्ट करता पुलिस स्टेशन में, कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो उसके वर्ड्स थे फ़ोन के ऊपर वो रेलेवेंट थे. क्यों रेलेवेंट थे? क्योंकि दे वर दी पार्ट ऑफ दी सेम ट्रांजैक्शन जो जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें उस दैट इज़ की उसकी जो डेथ हुई, ये उसी में एक पार्ट है. ओके, दैट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर. तो इस वजह से कोर्ट ने इसको रेलेवेंट माना. फिर ओके, रेस जेसिटे एंड हेयरसे एविडेंस. एज वी ऑल नो दैट कि हेयरसे एविडेंस जो है, हेयरसे एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, इट्स नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस. ओके, तो हेयरसे एविडेंस जो एडमिसिबल नहीं होता, बट रेस जेसिटे जो है इसका एक्सेप्शन है. रेस जेसिटे इज एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ द हेयरसे. इस पे एक केस है आर वर्सेस फोस्टर. इस केस में क्या हुआ था, जो विटनेस था उसने केवल स्पीडी व्हीकल को आते हुए देखा था. ओके, बट एक्सीडेंट को नहीं देखा था. तो जो इंजर्ड पर्सन था उसने एक्सप्लेन किया था विटनेस को अबाउट द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट. तो वहाँ पे वो उस विटनेस को अलाउ किया गया था कि वो एविडेंस दे सकता है उन चीज़ों के बारे में जो उससे डिसीज ने कहा था. ओके, ऑल्दो यहाँ पे विटनेस ने खुद नहीं देखा था एक्सीडेंट होते, उसने बस एक बहुत तेज़ी से आती हुई कार को देखी थी, बट वो सारे एक सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे थे, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो उसने जो भी देखा है वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा. अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों पे एप्लीकेबल होता है. ओके ओके, तो ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन. ओके,
So this was all about section 6. I hope you like the video. और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.